मध्य प्रदेश के ग्वालियर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। ग्वालियर में आस्था की वजह से हजारों की संख्या में मछलियां मारी गई। दरअसल बुधवार को महिलाओं ने परंपराओं को निभाते हुए लक्ष्मण तलिया स्थित तालाब में मोरछठ का विसर्जन किया था, जिसके बाद गुरुवार सुबह तालाब में करीब 10,000 से ज्यादा मछलियां मरी मिली, जिसने सबको हैरान कर दिया। जब लोगों ने इसके पीछे जानने का प्रयास किया तो पता चला कि मोरछठ विसर्जन के दौरान जो सामान तालाब में डाला गया था उसमें भारी मात्रा में केमिकल मौजूद था और यहाँ 3 दिन से फुहारे बंद थे, जिसकी वजह से ज्यादा गर्मी पैदा हो गई और पानी में ऑक्सीजन की कमी हो गई। सर, यहाँ मोरछठ का मेला था तो यहाँ पर कोई प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो काफी लोग आए, महिलाएं आई, तो उन लोगों ने लाल वो मेहंदी है और रोरी वगैरह, आटा वगैरह सब कुछ, मतलब ऐसी सामग्री उसमें डाल दी, तो उससे खाया उसने, तो वो मछली मर गई। किसी को जानकारी है? नहीं, वैसे नगर निगम को भी अवगत कराया, कोई प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हाईकोर्ट का भी ऑर्डर है, इसमें कोई प्रशासन कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। ये अपने तलैया की कोई समस्या नहीं होती, कोई बात नहीं होती, सबों को फोन लगाए, कल इतने बोरे फोन लगाए कि कोई ने किसी ने सुनवाई नहीं करी, आज फिर भी फोन लगाया। ये मछलियों के चक्कर में बच्चे भी बीमार हो रहे हैं, किसी के घर में खाना भी नहीं बन रहा है, तो क्या कर सके बोलो आप। फिर भी करा हमने, इतना भी पूरी सुनवाई करी, हमारे बानू सब कार्यकर्ता यहाँ के वही साफ सफाई करते हैं, सब कुछ करते हैं, बानू सब ने साफ सफाई यहाँ बिल्कुल सही है हमारे, ये बढ़िया है। अब जो साफ सफाई हो जाए, हमें तो ये है कि इसको खाली करवा के दोबारा भरवाया जाए। ये मछली वगैरह ये तालाब वगैरह साफ साफ सफाई होती है, सब लोग करते हैं सही। क्या कारण है मछली मरने का? चाहिए अपना मोरछठ का मेला लगा था तो किसी ने भी कोई नहीं करा, तो वो उसमें तो ये गंदगी फंदगी डलती रही, उससे किसी का केमिकल लग छड़ गया, बस उससे मछली मर गई है। हमारा सिर्फ एक सवाल है, आस्था भी तो कैसी आस्था जहां हजारों की संख्या में मछलियों की बलि चढ़ जाए। न्यूज़ डेस्क।